नमस्कार, मैं रविश कुमार। ट्रेन तो हमेशा ही देर से चलती रहती है, तो क्या इसी कारण यह सवाल पूछना बंद कर दिया जाए कि ट्रेन लेट क्यों चल रही है और इतनी ट्रेनें क्यों लेट चल रही हैं? इस वक्त ना तो कुहासा है, ना तीज त्योहारों के लिए स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ी है, फिर भी कई ट्रेनें 20 से 30 घंटे की देरी से क्यों चल रही हैं? क्या इन रेलगाड़ियों में सफर करने वाले यात्रियों के समय की कोई कीमत नहीं है? मीडिया के लिहाज से सोचिए, किसी दिन 20 हवाई जहाज 4 से 10 घंटे देर से उड़े, उस दिन चैनलों पर तूफान मच जाता है, हाहाकार मच जाता है। मगर ऐसा क्यों है और कब तक ऐसा रहेगा कि रेलगाड़ी देर से चले और हम सवाल ना करें? लाखों लोग रोज इस देरी के कारण झुंझलाते हुए उतरते हैं और फिर सामान्य हो जाते हैं। उनके काम से लेकर पैसे का जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई कोई नहीं करता। हमने स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की बात की, एक चूक हो गई। पहले बताया था कि यह ट्रेन बिहार के जयनगर से आनंद विहार तक चलती है, लेकिन ये नई दिल्ली से आज जयनगर के बीच चलती है। स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर चल रही इस ट्रेन की तो कम से कम ऐसी पहचान होनी चाहिए थी कि सामान्य तौर से यह समय से चले। 12,125.61 नंबर की स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस को 2 मई की दोपहर 2 बजे जयनगर से दिल्ली के लिए रवाना होना था, मगर यह ट्रेन जयनगर से खुलती है 3 मई की सुबह 2:20 पर। सोचिए, 12 घंटे लेट। 3 मई को इसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 12:30 पहुंचना था, मगर कार्यक्रम शुरू होने तक, मगर आज शाम 7:45 के करीब ये ट्रेन पहुंचती है। 2 मई को दिल्ली से जयनगर की ओर जाने वाली ट्रेन नंबर 12562 के रवाना होने का समय था 8:40। वेबसाइट से पता चला कि यह ट्रेन 2 मई को नहीं, 3 मई की रात 9:30 खुलेगी। यानी इस वक्त जब मैं प्राइम टाइम कर रहा हूं तो शायद खुल गई होगी, 24 घंटे लेट है। 2 मई की ट्रेन 3 मई को खुल रही है और 3 मई की ट्रेन 4 मई को खुलेगी। हमारे सहयोगी प्रमोद गुप्ता 3 मई की शाम 5:30 दरभंगा स्टेशन गए, यानी आज। वहां पता चला कि दिल्ली से दरभंगा आने वाली 12561 नंबर की स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस 24 घंटे लेट है। इसी ट्रेन को वापस जयनगर से दिल्ली के लिए जाना है। उस वक्त बताया गया कि अब यह ट्रेन दोपहर 3 बजे के बजाय दरभंगा से सुबह के 3 बजे जाएगी, यानी 12 घंटे की देरी से खुलेगी। जब प्रमोद गुप्ता वहां खड़े थे तो दरभंगा से यह वीडियो भेजा है, ये देखिए। दिल्ली से चलकर दरभंगा आने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस स्टेशन में प्रवेश कर रही है। इस ट्रेन को 2 मई की शाम 5:30 दरभंगा आना था, मगर यह 3 मई को पहुंच रही है, वह भी 7:45 शाम को, यानी 24 घंटे से भी अधिक समय की देरी से दरभंगा आई है। अब इसी को जयनगर जाना है और वहां से तैयार होकर दिल्ली के लिए रवाना होना है। आप यात्रियों के तनाव की कल्पना कीजिए तो इस रिपोर्ट का महत्व पता चलेगा। प्रमोद गुप्ता ने बताया कि यह ट्रेन 11 सितंबर 2015 को पहली बार चली थी, तब से लेकर आज तक यह समय से नहीं चलने के कारण ही जानी जाती है। कई बार समस्तीपुर मंडल इस ट्रेन को कैंसिल कर समय से चलाने का प्रयास भी करता है, तो भी यह ट्रेन वापस 5 घंटे से लेकर 22 घंटे की देरी से चलने लगती है। दरभंगा स्टेशन पर यात्री पूछ पूछ कर परेशान है कि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस कब आएगी, कब जाएगी, किधर से आएगी, किधर जाएगी। गांव से आकर लोग प्लेटफॉर्म पर 10 से 12 घंटे, कई बार 20-20 घंटे बैठे रहते हैं बिना खाना पानी के। क्या इनके वक्त की कोई कीमत नहीं? रेलवे तो इन्हें एक ग्लास पानी भी फ्री नहीं पिलाता होगा। यात्री के सवालों का जो जवाब दिया जा रहा है वो आप सुनिए और बताइए कि आपको कुछ समझ आया भी या नहीं। अभी यह गाड़ी जा रही है जयनगर के बाद खुलेगी, वहाँ 1 घंटे 1.5 घंटे 9 बजे के बाद संभावना चली। बड़ी उम्मीद थी पहले ठीक चलती भी थी, लेकिन उसके बाद इस ट्रेन का ये हाल हो गया कि अब उस पर चढ़ना भी मुश्किल हो गया है। लोग उस पर चढ़ने से बहुत अपने आप को गंभीर और मुश्किल में पाते हैं, क्योंकि इतनी लेट शायद कोई ट्रेन मेरे हिसाब से ऑल ओवर इंडिया में नहीं है, और ये दुर्भाग्य है दरभंगा का। इधर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री कई घंटे इंतजार करते रहे जयनगर से आने वाली और जयनगर जाने वाली दोनों ट्रेन का। एक यात्री को 2 मई के स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से जयनगर के लिए जाना था, वो भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है, और एक यात्री को 3 मई के स्वतंत्रता सेनानी के एक्सप्रेस से जाना था। दोनों 3 मई को कन्फ्यूज होकर बैठे थे कि आज 2 मई वाली ट्रेन जाएगी या 3 मई वाली ट्रेन जाएगी। सर आप बोलिए, कब से है आप, कब से बैठे हैं? कल से सर। कितने घंटा हो गया? लगभग 24 घंटा होने को है। कौन सी ट्रेन है आपकी? स्वतंत्रता सेनानी। कहाँ जाना है आपको? दरभंगा। फिर आप वापस क्यों नहीं चले गए? इसलिए कि हमारे साथ बच्चे हैं, लेडीज है, और विथ लगेज है, कहाँ से फिर यहाँ से वापस जाते हैं। और आपका आज का ट्रेन है सर? हाँ जी सर, मेरी आज की ट्रेन है।
और दोनों का सेम ट्रेन है, कल और आज वाला पता नहीं चल पा रहा है, पता नहीं चल पा रहा है कौन सी ट्रेन आएगी और कौन सी ट्रेन जाएगी, कल वाला जाएगी आज वाला जाएगी जी सर ये पता नहीं है। आपको कहाँ जाना है? मेरे को भी दरभंगा जाना सर। कितने घंटे से बैठे आप? मैं तो अभी चार घंटे से, मैंने अभी टिकट लिया चार घंटे पहले वेटिंग की। और ये कन्फ्यूजन था कि आज और कल का ट्रेन कौन सा है? नहीं नहीं ये नहीं पता, मेरे काउंटर पे तो नहीं पता, मैं तो सीट ट्रेन के वेट में बैठा हूँ कंटिन्यू दो घंटे हो गए। 3 मई को नई दिल्ली स्टेशन पर जयनगर से आने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस शाम 6:35 पर आई। इस ट्रेन को 2 मई के दिन दोपहर 12:30 आना था, आई है 30 घंटे की देरी से। कितने घंटा लेट बा? 24? वाह। हम लोग निकले थे सुबह, लगभग टाइमिंग थी मतलब ट्रेन की आने की 1 तारीख को, बाद मतलब 2:28 पर, जो कि नेक्स्ट डे 2 तारीख को सुबह 11:30 आने की टाइमिंग हम लोग को पता चली, वो जो कि 12:30 आई 2 तारीख को। अभी जस्ट हम लोग 6:30 हम लोग दिल्ली पहुँचे स्वतंत्र सेनानी। हाँ जी। कितने लोग थे आप? 6 आदमी थे। और खाना पीना आपको मिला ट्रेन के अंदर? खाना पीना तो मिला, लेकिन उतना मतलब सही ढंग का खाना तो है नहीं। अच्छा। और कॉस्ट से ज़्यादा मतलब वो जो मिनरल वाटर होता है या कोई भी होता है, वो जो कैटरिंग वाले हैं वो कॉस्ट से ज़्यादा 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़। कहाँ से आए आप? मधुबनी से। मधुबनी से कितने घंटे पहुँचना था? पहुँचना होता 24 घंटे में पहुँचने की टाइम होती है, लेकिन वो 24 घंटे से 30 घंटे में हम लोग पहुँचे अभी। 30 घंटे ना ज़्यादा? 30 घंटे जो जब अराइव हुई है तब से 30 घंटे, एक्चुअली उसके बाद भी 6 घंटे लेट हो गए, उससे पहले लगभग 22-22.5 घंटे लेट थी। तो कुल मिला के कितने घंटे लेट हुई है? लगभग 28-30 घंटे लेट हो। लेट है? हाँ। तो कुल मिला के कितने समय आप ट्रेन में जर्नी किए? 30-31 घंटे। 30-31 60 घंटा हुआ या सिर्फ 30 घंटे? 30-50 घंटे लगे हुए हैं। बाप रे, सोचिए इस ट्रेन में अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी सफर कर रहे हों और उनके साथ बैठे यात्री बार बार इस ट्रेन का नाम लेकर कोस रहे हों कि 20 घंटे 24 घंटे 30 घंटे लेट चलती है, कोई इस ट्रेन का माई बाप नहीं तो उन स्वतंत्रता सेनानी को कितना बुरा लगता होगा। सोचते होंगे कि अच्छा होता हम लोगों के नाम से ट्रेन ही नहीं चलती, यह स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है कि उनके नाम से बनी ट्रेन समय से नहीं चलती है और ये इसकी आदत हो गई है। क्या रेल मंत्री पीयूष गोयल इस ट्रेन को समय से चलकर दिखा सकते हैं? हमने तय किया है कि जब तक स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस समय से नहीं चलेगी, प्राइम टाइम में आने वाले समय में इसका बार बार जिक्र करूंगा। इस ट्रेन में चलने वाले यात्रियों के अनुभव भयावह हैं। एक यात्री ने हमें मैसेज किया कि वे ट्रेन से अक्सर दिल्ली से मधुबनी जाते हैं मगर साल के 12 महीने यह ट्रेन 12 से 18 घंटे की देरी से तो चलती ही है। क्षितिज मोहन ने 6 अक्टूबर 2016 को इस ट्रेन से यात्रा की थी, उस ट्रेन के उस दिन की रनिंग स्टेटस का स्क्रीनशॉट था, शायद इस दिन उन्होंने टिकट लिया था। उनका कहना है कि तब यह ट्रेन उस दिन 31 घंटे की देरी से चल रही थी और वे इस स्क्रीनशॉट को पूरी जिंदगी सहेज कर रखना चाहते हैं, ऐसे भी जागरूक यात्री होते हैं। एक और यात्री हैं मृत्युंजय झा, जो अपने परिवार के लिए उन्होंने अपने 1 जून का टिकट कटाया था, रोज इस ट्रेन का स्टेटस चेक कर रहे थे, 20-22 घंटा देखकर घबरा गए, इसके लेट चलने की आदत से परेशान हो गए और टिकट ही कैंसिल करा दी 1 जून की। उन्हें इस बात का यकीन था कि ट्रेन लेट होगी ही होगी और बच्चे परेशान होंगे। हम चाहते हैं कि सोमवार से यह ट्रेन समय पर चलने लगे और मृत्युंजय जी का परिवार दोबारा टिकट कराकर इसी ट्रेन से दरभंगा जाए। पिछले 2 बार का मेरा सफ़र इतना बुरा रहा जिसमें हमने 24 से 30 घंटे विलंब से ट्रेन में जर्नी प्रारंभ किया था, जो कि बहुत ही दुखद अनुभव देता था रेलवे स्टेशन पर रुकने का और सफ़र में फिर अपने पूरी सफ़र को कंप्लीट करने का। ये एक दो ही नहीं जो ट्रेन में सफ़र करते हैं, वो हज़ारों की संख्या में डेली, क्योंकि बिहार से लोग कहीं अपने टूरिस्ट पर्पज़ के लिए नहीं, अपने कहीं खुशहाली के लिए नहीं जाते हैं, कोई काम करने के लिए आने वाले होते हैं, कोई बीमार से ग्रसित होते हैं वो आने जाने वाले होते हैं, ऐसे लोगों की दुख को सह नहीं सकते हैं आप जो वहाँ की हालत होती है। इस मुद्दा पे मैंने 2 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक रेगुलर मैंने ट्वीट करता रहा, लेकिन सिर्फ एक बार रिप्लाई आया रेल मिनिस्ट्री से कि ड्यू टू कंजेशन ऑफ प्लेटफॉर्म डिले चल रही है ट्रेन।
फिर मैंने अपने परिवारजनों के किसी का टिकट कटाया हुआ था इसी ट्रेन में, वो मैंने कैंसिल कर दिया इस ट्रेन की स्थिति को देख करके। ये हालत है। मृत्युंजय की बात सही है कि इस ट्रेन से काम करने वाले मेहनत कश लोग चलते हैं, उनके लिए एक दिन की देरी का मतलब है एक और छुट्टी, और एक छुट्टी कटी तो महीने का वेतन कम। अगर प्रधानमंत्री खुद को कामदार कहते हैं तो कामगारों को लेकर चलने वाली सारी ट्रेन को कभी लेट नहीं होनी चाहिए। हम चेक करते रहेंगे कि मजदूरों को लेकर चलने वाली ट्रेन अमृतसर से जो समस्तीपुर की तरफ जाती है उसका भी क्या हालत चेक करेंगे। जब रेल मंत्री पीयूष गोयल स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस को समय से चलवा देंगे तब हम दूसरी ट्रेन को समय से चलवाने का उन्हें चैलेंज देंगे जो 20-20 घंटे की देरी से चल रही है। हमारे सहयोगी सलीम ने गोरखपुर मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी संजय यादव से बात की कि कितनी गाड़ियां देरी से चल रही हैं। उन्होंने बताया कि अप्रैल के महीने में इस रेलवे पर यानी उस मंडल में लगभग 5,035 रेलगाड़ियां चलाई गई जिनमें से 2,182 गाड़ियां लेट हुई हैं। उनका कहना है कि इसमें एक मिनट से लेकर और ज्यादा लेट भी हैं शामिल। उन्होंने कारण बताया कि अपनी क्षमता से ज्यादा रेलगाड़ियां चल रही हैं पटरियों पर, रखरखाव का काम हो रहा है, पटरियां बिछ रही हैं, इस वजह से भी देरी है, लेकिन बाकी ट्रेन तो समय से चल रही है, यही क्यों देरी से चल रही है। लेकिन क्या ये देरी सिर्फ आज की है? पिछले कई महीनों से कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं, रिपोर्ट नहीं होता इसलिए आपको पता नहीं चलता है। यात्रियों की माने तो स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस कभी समय से नहीं चली जो इसी रूट से गुजरती है। अप्रैल के महीने में इस रेलवे पर लगभग 5,000 गाड़ियां, 5,045 टू बी मोर प्रिसाइज चलाई गई, जिसमें से 2,182 गाड़ियां जो है वो लेट हुई। इस लेट का मतलब ये है कि जो गाड़ी एक मिनट भी लेट हुई है वो भी लेट मानी गई, और ज़्यादा जो लेट है वो तो लेट मानी गई। इनकी वजह मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली वजह तो ये है कि हम अपनी लाइन कैपेसिटी से, जो हमारी लाइन की कैपेसिटी है, जो मेन लाइन खासतौर से गोरखपुर से बाराबंकी के बीच का जो रूट है ये ओवर सैचुरेटेड है, तो हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है गाड़ियों का लेट होना लाजिमी है। और रीज़न है जो कि लेट होने का, वो है गाड़ी जो हमारी रेल पथ जो है, हमारा ट्रैक है, इसको बड़े पैमाने पर इसका मेंटेनेंस किया जा रहा है। सलीम ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहे कुछ यात्रियों से बात की, किसी को राजस्थान के हनुमानगढ़ जाना है, किसी को अंकलेश्वर, किसी को सूरत, कोई 12 घंटे से स्टेशन पर बैठा है तो कोई 7-8 घंटे से। अवध आसाम एक्सप्रेस 18 घंटे की देरी से चल रही है, स्टेशन साफ सुथरा है, वाईफाई भी ठीक काम कर रहा है, मगर ट्रेन के चलने का जो समय है वही है जो शायद हमेशा से ही रहा होगा। हम लोग 1:30 बजे आने वाला था ट्रेन, उसका इंतजार को अभी तक आया नहीं है। इसे कितने घंटे हो गए आपको इंतजार करते? 6-7 घंटे हम लोग को हो गए। कहाँ जाना है आपको? हम लोग अंकलेश्वर जाना है, ये गुजरात अंकलेश्वर जाना है। 8:30 बजे बैठे हैं, दिल्ली जाना है हमको। हाँ। जी कितना घंटा हो गया? हम मान के चलिए करीब 8-9 घंटा हो गया होगा। कब तक ट्रेन आएगी कुछ पता है? अभी कुछ नहीं पता है। रेलवे का टाइम तो क्या है, अभी धीरे दिन बढ़ता रहता है। दिक्कत तो है, अभी गर्मी में मर रहे हैं हम लोग, बच्चे लेके सुबह से आए हुए हैं। मैं तो कल रात से 10:30 बजे से इंतजार कर रहा हूँ, और मुझे कल 10:30 बजे जब मैं यहाँ आ गया था तो ये पता चला कि गाड़ी आधा घंटा लेट है। हमने उसके इंतजार किया, उसके बाद से भी नहीं आया। 3 बार यही इंतजार करते रहे, उसके बाद से बाद में पता चला कि ये गाड़ी 6:15 बजे आएगी सुबह। अभी तक कितने घंटे लेट हो चुके हैं? ये 16 घंटे लेट चुके हैं। कौन सी ट्रेन है ये? अवध असम में है। देरी का कारण पूछिए तो जरूर बताया जाता है कि इस बार दुर्घटना की दरों में कमी आई है, लेकिन यह तो रेलवे की क्षमता में सुधार बताता है। इसका मतलब ये कैसे हुआ कि ट्रेन की रफ्तार 30 घंटे की देरी से कम कर दें और फिर दावा करें कि दुर्घटना की दरों में कमी आई है? फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा ने 30 साल बाद रेल यात्रा करने का फैसला किया, टिकट ट्वीट किया कि 30 साल बाद भी कुछ नहीं बदला। उन्होंने तय किया कि लखनऊ से वाराणसी ट्रेन से जाएंगे, 29 अप्रैल को नीलांचल एक्सप्रेस का टिकट लिया। इस ट्रेन को लखनऊ से दोपहर 2:30 बजे रवाना होना था मगर चली रात के 12 बजे, 10 घंटे की देरी से वे वाराणसी पहुंचते हैं। ट्वीट करते हैं कि टीवी पर बड़ी बड़ी बातें सब झूठ हैं, हिंदुस्तान का सच हिंदुस्तान से ही छुपा हुआ है। गाड़ी नंबर 12487 सीमांचल एक्सप्रेस बिहार के अररिया जिले के जोगबनी से चलती है और आनंद विहार तक आती है। 1 मई को यह ट्रेन 22 घंटे 15 मिनट की देरी से खुली है। रेलवे इंक्वायरी की वेबसाइट बताती है कि यह ट्रेन एक दिन यानी 24 घंटे 3 घंटा अलग 27 घंटे 8 मिनट की देरी से आनंद विहार पहुंचेगी। इन रेलगाड़ियों में चलने वाले 27 घंटे की देरी से इन गाड़ियों में चलने वाले यात्रियों की समय की कीमत होती तो देर से चलने की इस बीमारी को दूर कर दिया जाता।
चार पाँच घंटे तो हम यूं ही बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर 20 घंटे और 27 घंटे की देरी को कैसे समझाएं। इसी तरह पटना कोटा एक्सप्रेस के बारे में कहा जा रहा है, यात्रियों ने बताया कि 24 घंटे की देरी से चलती है। इस देरी के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? अगर रेल मंत्री डायनेमिक हैं तो रेलगाड़ियां क्यों नहीं डायनेमिक हैं? ये सारी ट्रेनें क्यों 20 से 24 घंटे की देरी से चलती हैं? नौकरी सीरीज की तरह कहीं मुझे ये रेलवे सीरीज ना चलानी पड़ जाए। कई ट्रेनें हैं जो 6 से 10 घंटे की देरी से चल रही हैं। कम से कम रेलवे को 24 घंटे की देरी होने पर यात्रियों को मुआवजा देना चाहिए, पूरा पैसा देना चाहिए, होटल में जाके रुकवाना चाहिए, जिस तरह से हवाई यात्रियों को सुविधाएं मिलती हैं। हमने यूपी के 12,460 बीटीसी शिक्षकों के संघर्ष को कई बार दिखाया, उन्होंने अपने संघर्ष से बड़ी कामयाबी हासिल की है। अदालत से कई बार अपना केस जीतने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा था। जब आंदोलन उन्होंने तेज किया तो योगी सरकार को कहना पड़ा कि नियुक्ति पत्र देंगे, और नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बहुतों को मिल गई है, वो सरकार के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं, और बहुतों को मिल रही है। इन सब ने प्राइम टाइम के प्रति भी आभार व्यक्त किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छे शिक्षक बनेंगे। तो पिछले एक साल से रुकी हुई थी वो अंततः शुरू हो गई है, नियुक्ति पत्र मिलना शुरू हो गए हैं, और हमारे कुछ साथियों को अभी मिलना बाकी है, कुछ लोगों को मिल भी गया, लोगों ने स्कूल ज्वाइन कर लिया। आज हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग अध्यापक बन गए फाइनली, और इस संघर्ष में हमारा NDTV ने बहुत साथ दिया। रवीश सर जो कि अपने प्राइम टाइम शो में हमेशा हमारी भर्ती का जिक्र करते रहते थे, हमारी बात को प्रमुखता से अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते रहते थे। हमारी भर्ती में जो हम लोगों ने संघर्ष किया उसमें सर का बहुत योगदान रहा, पूरी टीम का, NDTV का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सही है कि हमने कई बार दिखाया, मगर असली संघर्ष इन्हीं लोगों का था। यही लोग आपस में चंदा करके महीनों अदालती लड़ाई लड़ते रहे, सड़कों पर लाठियां खाते रहे। आप भी इन्हें बधाई दीजिए ताकि इनका अच्छा शिक्षक बनने का उत्साह बना रहे। अब दूसरी लड़ाई है कि क्या पेंशन की व्यवस्था लोगों को वापस मिल सकेगी। निर्भर करता है कि लड़ने वाले कितना लड़ते हैं। इसके लिए सरकारी कर्मचारियों को नैतिक बल और आत्मबल का विकास करना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम टॉपिक को हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा। ब्रेक लेते हैं।